नमस्कार। इस चातुर्मास्य के पुराण प्रसाद को प्राप्त करने के क्रम में अब हम भविष्य पुराण में पहुंच गए। इस भविष्य पुराण में पर्व हैं और उसमें सबसे पहला जो ब्राह्म पर्व है उसमें पिता पुत्र का संवाद हो रहा है, उसको आज हम सुने। ये पिता और पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण और उनका जाम्बवती से हुआ बेटा सांब। कहते हैं एक समय सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पिताजी मनुष्य संसार में जन्म ग्रहण कर कौन सा कर्म करे जिससे उसे दुख न हो और मनोवांछित फलों को प्राप्त कर वह स्वर्ग प्राप्त करे और मुक्ति भी उसे प्राप्त हो, इन सब का आप वर्णन करें। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? सांब ने कहा, मेरा मन इस संसार में अनेक प्रकार की आधिव्याधियों को देख करके अत्यंत उदास हो रहा है, मुझे क्षण मात्र भी जीने की इच्छा नहीं होती, अतः आप कृपा करके ऐसा उपाय बताएं कि जितने दिन भी इस संसार में रहा जाए ये आधिव्याधियां पीड़ित न कर सकें और फिर इस संसार में जन्म न हो अर्थात मोक्ष हो जाए। ये बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि वत्स, देवताओं के प्रसाद से, उनके अनुग्रह से तथा उनकी आराधना करने से ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है। देवताओं की आराधना ही परम उपाय है। देवता अनुमान और आगम प्रमाणों से सिद्ध होते हैं। आगम माने शास्त्र। विशिष्ट पुरुष विशिष्ट देवता की आराधना करे तो वह विशिष्ट फल प्राप्त कर सकता है। सांब ने कहा, महाराज प्रथम तो देवताओं के अस्तित्व में ही संदेह है। कुछ लोग कहते हैं देवता हैं और कुछ कहते हैं कि देवता नहीं हैं। फिर विशिष्ट देवता किन्हें समझा जाए? भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे वत्स, आगम से, अनुमान से और प्रत्यक्ष से देवताओं का होना सिद्ध होता है। सांब ने कहा कि यदि देवता प्रत्यक्ष सिद्ध हो सकते हैं तो फिर उनके साधन के लिए अनुमान और आगम प्रमाण की कुछ भी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष दिख रहे हो कोई देव तो फिर उसमें शास्त्र प्रमाण और अनुमान प्रमाण ये सब क्यों करना पड़े। श्री कृष्ण बोले, वत्स सभी देवता प्रत्यक्ष नहीं होते, शास्त्र और अनुमान से ही हजारों देवताओं का होना सिद्ध होता है। सांब ने कहा, पिताजी जो देवता प्रत्यक्ष हैं और विशिष्ट एवं अभीष्ट फलों को देने वाले हैं पहले आप उन्हीं का वर्णन करें, अनंतर शास्त्र तथा अनुमान से सिद्ध होने वाले देवताओं का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रत्यक्ष देवता तो संसार के नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य नारायण ही हैं, इनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। संपूर्ण जगत इन्हीं से उत्पन्न हुआ है और अंत में इन्हीं में विलीन भी हो जाएगा। प्रत्यक्षम देवता सूर्यो जगत चक्षुर दिवाकरः तस्माद् अभ्यधिका काचित् देवता नास्ति शाश्वती यस्मादिदं जगत् जातं लयं यास्यति यत्र च। कहते हैं सत्य आदि युगों और काल की गणना इन्हीं भगवान सूर्य से सिद्ध होती है। ग्रह नक्षत्र योग करण राशि आदित्य वसु रुद्र वायु अग्नि अश्विनी कुमार इंद्र प्रजापति दिशाएं भूहु भुवः स्वः ये सभी लोक और पर्वत नदी समुद्र नाग तथा संपूर्ण भूत ग्राम की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु भगवान सूर्य नारायण ही हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत इन्हीं की इच्छा से उत्पन्न हुआ है, इन्हीं की इच्छा से स्थित है और सभी इनकी ही इच्छा से अपने अपने व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। इन्हीं के अनुग्रह से यह सारा संसार प्रयत्नशील दिखाई देता है। सूर्य भगवान के उदय के साथ जगत का उदय और उनके अस्त होने के साथ जगत अस्त होता है। इनसे अधिक न कोई देवता है, न हुआ है और न होगा। वेदादि शास्त्रों तथा इतिहास पुराणादि में इनका परमात्मा अंतरात्मा आदि शब्दों से प्रतिपादन किया गया है। ये सर्वत्र व्याप्त हैं। इनके संपूर्ण गुणों और प्रभावों का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इसलिए दिवाकर गुणाकर सबके स्वामी सबके सृष्टा और सबका संहार करने वाले भी ये ही कहे गए हैं, ये स्वयं अव्यय हैं, आदि आदि ज्ञान बताया। और फिर अंत में भगवान श्री कृष्ण सांब से कहते हैं कि स्वयं मैंने भगवान सूर्य की बहुत काल तक यथाविधि आराधना की है, उन्हीं की कृपा से यह दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है,
इससे बढ़कर मनुष्यों के हित का और कोई उपाय नहीं है। ऐसे प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र सांब से उपदेश किया। आज भविष्य पुराण का यह प्रसाद हमने प्राप्त किया। भविष्य पुराण को प्रणाम आप सब।